जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने अपने घर में ही सुपर स्टारडम देखी है, परदादा जी से लेके दादाजी, फिर आपके पापा, फिर आप, मतलब आप जब फिल्मों में आए, पहली फिल्म से लेके अब तक सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट, फिर भी कभी एक दिमाग में कभी आया था कि यार ऐसे कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी मेरे मतलब मेरे जहन में भी नहीं आया था कि मुझे आज ये मौका मिलेगा. आप जैसे एक टैलेंटेड नौजवान इस मंच पर, हिंदुस्तान का सबसे मनपसंद शो पर मेरी फिल्म बेशरम, बैठ जा मैं झलक दिखला जा के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके गाइस, लेट्स चेंज द टॉपिक. रणबीर, जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं कसम से, आज तुम्हारी इतनी ज्यादा चाहने वाली हैं, यहाँ चाहने वाली हैं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा लड़कियां आई हैं और चाहने वाले भी हैं, बड़े बुजुर्ग सब रणबीर से प्यार करते हैं, तो मैं ये मौका कभी भी उनके हाथ से नहीं जाने देता. बिकॉज बहुत कम ऐसे होता है रणबीर कि आप बड़े पर्दे पर जब आते हो तो ये लोग आपके लिए नाचते हैं गाते हैं, तो बड़ा कम मौका मिलता है इनको भी और आपको भी वन टू वन लोगों से बातें करने का. तो आप एक एक करके रणबीर से बात कर सकते हैं. मोहतरमा. यस. हेलो सर. प्लीज कॉल मी रणबीर. नो सर, क्या बैंक में जीएम है? वो बैंक में क्या है? सर ऐसे क्या कि जैसे आर्मी में कोई बड़ा अफसर रिटायर हो गया है? कम ऑन, यू आर अ गर्ल, ही इज अ गाय मैम. जी, मेरा नाम गुंजन है, गुंजन ठाकुर. गुंजन, या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज तक आपने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है, क्या आपको याद है कि आपने फर्स्ट डेट किसको किया था? हाँ बिल्कुल याद है. मैं आई थिंक आठवीं क्लास में था, किसी के टेरेस पर एक पार्टी चल रही थी, बच्चे लोग 7 बजे तो सबको घर जाना था, सबकी मम्मी डैडी वापस बुला देते थे. तो जब सूरज नीचे आ रहा था, वो जो लड़की थी वो कहीं रो रही थी बालकनी पे, तो मैं वहाँ गया हीरो के जैसे, बोला भाई यू क्राइंग? एंड शी सेज बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू. तो वहाँ मैं कुछ हक्का बक्का हो गया, मुझे पता नहीं था अभी मैं क्या बोलूँगा, अभी ये ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट कैसे पाऊँ. तो मैंने सीधा हाथ बाहर निकाला ऐसे और बोला, नाउ डू यू ट्रस्ट मी? That was my first one. That's very innocent. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कभी मेरे साथ डेट पे नहीं गई. गुंजन, ऐसा क्या आया था दिमाग में मैं ऐसे रणबीर से सवाल करूं? सर, मुझे लगा शायद मुझे भी डेट पे ले जाएं. बस. मैं अभी दोनों हाथ करूंगा. मैं दोनों ही पकड़ूंगी और भागूंगी नहीं. प्लीज डोंट. थैंक यू सो मच. मैं दोनों हाथ दे दूंगी, भागूंगी भी नहीं. हाईलाइट करा के आई बालों में आ जाए. तो कहाँ के रहने वाली गुंजन आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली? या दिल्ली में कहाँ के रहने वाली हो? दिल्ली में करोल बाग में रहती थी मैं. बाग में क्यों, घर में क्यों नहीं? आप घर दिला दीजिए, मैं घर पे रहना शुरू कर दूंगी. मेरे दिल में अपना घर बना लो गुंजन. चलो गुंजन, आती रहा करो शो में, अच्छा लगता है ग्लैमर शो में. सी यू, टेक केयर, ध्यान रखना, खाना टाइम पे खा लेना. थैंक यू. और कोई हमने जी, ये रणबीर का सच्चा फैन है, जल्दी जल्दी वो बड़े भाई की कमीज पहन के आ गया. हाय रणबीर. मेरा नाम जयदीप है. मेरा क्वेश्चन है, आप काफी वर्सेटाइल एक्टर है इंडस्ट्री में, सो अगर आपको चांस मिले लड़की का रोल प्ले करने का, तो आप करना पसंद करोगे? मुझे लगता है मैं गुत्ती जैसा रोल कर पाऊंगा. आज मैंने बाकी में मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर मेरे सामने परफॉर्म करते देखा, एंड मुझे एक्चुअली खुद कंफ्यूजन बीच में होने लगा, ये एक्चुअली लड़की है या लड़का है. बट आई थिंक मुझे एक ऐसा किरदार निभाना है जो जिसके जैसा है. रियली द थिंग्स दैट ही डज, द यू नो बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत मुश्किल है. एंड आई मीन दिस ऑनेस्टली. इसका जो नाम लिविंग, वी विल शूट सम अदर डे. ओके. और बहुत लोगों को यू नो ऐसा कॉमेडी टाइमिंग नसीब नहीं होता. आई थिंक ही इज ब्लेस्ड, बहुत ही टैलेंटेड है. एंड मेरे भाई ने
और मैं एक बात रणवीर के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदार इंसान है। मैंने 700 रुपया दिया था, 1400 रुपए की तारीफ की मेरी। यदीप हमारे शो में कोई भी आता ना, कोई नाराज नहीं जाता, सब खुश होके जाते हैं। आपने कहा कि रणबीर अगर लड़की का रोल ऑफर हो तो करेंगे या नहीं, मैं यहीं पे आप दिखा देता हूँ। रणबीर भाई आप, हम दोनों सहेलियां बनते, ठीक है? टीना मैं मीना, ठीक है? बैठ जाओ, ऐसे ही लड़कियां बैठ के बातें करती ना। कॉलेज के पार्क में बैठे हम लोग। सुन टीना, बोल मीना। नेक्स्ट फ्राइडे रणबीर बिशरम चलें? वहां मर जाना। You don't like? बहुत ही खराब एक्टर है, मेरा तो फेवरेट इमरान खान है। खबरदार रणबीर के बारे में कुछ कहा, क्या खराब? पर्दा निकल के तुम्हें जब भी पाल लेता, क्या करता है तुम्हारे साथ? मेरा रणबीर भाई लगता है क्या? खबरदार रणबीर को मेरे बारे में भाई कहा तो मेरे, मेरी उस पर गंदी नजर है। सुनना मीना, बोलना टीना, शादी के बाद कितने बेबी होंगे तेरे? तेरे बच्चे मुझे मौसी मौसी कहेंगे, इतना मजा आएगा। नहीं सुन 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 सुन, हाँ मेरे चार, तेरे चार, हाँ ये बच्चा चार चार, दो साल बाद हम उसको इधर उधर कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों को कि बच्चों के पापाओं को? देख लिया, यही करेंगे फिल्म में लड़की बन के। उल्टी उल्टी फरमाइशें लेके आए तो हमें फिर पूरी करनी पड़ती है। चलिए थैंक यू जयदीप, थैंक यू रणबीर के लिए एक बार जोरदार तालियां। रणबीर आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले हमने किरण खेर जी के साथ एक एपिसोड किया था, उसमें आपके इतने बड़े फैन आए कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जब कभी आपके शो में रणबीर आए तो हमें जरूर बुलाना, और उनको हमने आज बुलाया है। प्लीज ये आपके बड़े ही बहुत ज्यादा बड़े फैन है, और इन्होंने आपके गाने पे डांस किया था। हाय, यू वांट टू डांस ऑन बलम पिचकारी, राइट? व्हाट्स योर नेम? सौरभ चंद्र। सौरभ भाई, पहले सौरभ डांस करेंगे फिर रणबीर उनको ज्वाइन करेंगे। जोरदार ताली एक बार। और कोई हमारे दोस्त जो रणबीर से बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं? जी मोहतरमा चमकती हुई। हाय माय नेम इज सुभानु। हाय रणवीर, हाय कपिल। माय क्वेश्चन इज, आप ऐसा क्या करते हैं जो इतनी सारी लड़कियां आपकी फैंस हैं आपके? एक्चुअली मैंने नहीं, मम्मी पापा ने किया था। मैं तो बस फिल्मों में काम करता हूँ, मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ, मुझे इतना अटेंशन मिलता है लड़कियों से। कुछ तो स्पेशल करते होंगे। कुछ नहीं करता, जैसे कपिल सर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं तोलिया में भागता हूँ, ये वो करता हूँ, शायद उसकी वजह से, बट मुझे पता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है। थैंक यू। बानू, इस शो का नाम से पूछूं, इस शो का आज तक मतलब 26-27 एपिसोड में सबसे तगड़ा डायलॉग अगर कोई है तो वो मम्मी पापा ने किया था। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सिद्धू सर ये वाकई में ट्रू है ना, डायलॉग भी है। फॉल्ट कर ही नहीं सकता कोई यार। सुभानु एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे में ऐसा क्या नहीं है जो लड़कियां मेरी तरफ देखती हूँ? मैं तो आपका हर शो देखती हूँ और आपको ही देखती हूँ। मैं थोड़ा स्टाइल में किया करना है, नहीं करना मैंने। ये कोई और पूछना चाहता है? थैंक्स सुभानु, प्लीज। और कोई हमारे दोस्त? कम ऑन गर्ल्स प्लीज, माइक दीजिए मैम को। सर फ्लोर पे। अरे आप ना ना यार, हमारे स्टार खुद ही माइक देने जा रहे थे। जी मैम इधर ही बैठ जाता हूँ, बड़ा दोनों लड़कियों के बीच में घुस के बैठा हूँ। Hi, what's your name? My name is Gayatri. Hi, Gayatri. My question is, आपकी मम्मी आपके आपकी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? I mean, what kind of daughter-in-law does she want? I think वो इतने में खुश होगी कि वो लड़की हो। I don't think उससे ज़्यादा। I don't think anything else. I've got something for you. Sorry? I've got something for you. A wife? Can I just? No, for you. Yeah, can I just come? Yeah, of course. क्या लेके आई हैं?
तुम लोगों का प्यार लगेगा लड़कियों को ये दिखाओ आयो दे लो तू ही लिया था मेरे लिए कुछ रणबीर से बोलो वही करे शो ठीक है मैं आपकी भी बड़ी फैन हूँ फोटोग्राफ को दे जाके तू मेरे लिए उबले हुए सिंगाड़े ले आता अब मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं जिनके लिए रणबीर जो फिल्म में कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हैं इनकी फिल्म की हीरोइन पल्लवी शारदा जोरदार तालियां पल्लवी के लिए वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स पल्लवी थैंक यू बहुत बहुत हमें भी जफ्फी पागलों को मर गया कहीं तो रणबीर कपूर ने हमसे महंगा टीका लगाया क्या पल्लवी के लिए जोरदार तालियां पल्लवी सबसे पहले तो आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू और जैसा कि सब जानते हैं कि ये पल्लवी की जो है वो डेब्यू फिल्म है और पहली फिल्म जो है वो हमारे सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के कैसा फील कर रही हैं पल्लवी आप ही इज ऑब्वियसली द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इतना अच्छा लग रहा है नर्वस फील कर रही हूँ इतनी बड़ी पिक्चर है मैं पहली बार आ रही हूँ इतनी बड़ी नर्वस क्यों फील कितनी बड़ी 8 घंटे की फिल्म है आपकी जैसा जैसे आपका नाम है इनका भी नाम फिल्म में तारा शर्मा है अच्छा पूरी फिल्म में शर्मा रही थी अब फाइनली बेशरम बन गई है ऑब्वियसली यार रस खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है पल्लवी के बारे में एक चीज मैं आपको बतानी चाहूंगा कि पल्लवी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पली बढ़ी है राइट पल्लवी yes. मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं थोड़ी डिफरेंट होती है जो आम जिंदगी में बोली जाती है आपको भी रंगत चढ़ी होगी जरूर What is the Australian accent? Can you say something in the Australian accent? Hi, Kapil. How are you? It's really nice to be on your show tonight. Really? Yeah. But I don't have time. But I want to ask you one thing. Why? Are you sure you were not joking? अब तुम अगर मुकरी तुम्हें माता रानी पाप लगाएगी मैं बता रहा हूँ जोरदार तालियां पल्लवी के लिए यार कपिल जी अब हमारी बेशरम फैमिली तो पूरी हो गई जी मेरी फैमिली कहाँ यार ऐसे कोई भी भटक के अंदर आ जाता है घर पे ना बुआ दिखाई दी ना दादी दिखाई दी ओए बिट्टू बिट्टू ओए कहाँ है तू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाप रे ये तो बिट्टू बिट्टू आपकी बुआ नहीं है क्या पर... मुझे ना नेल कटर चाहिए रणबीर कपूर आने वाला है मुझे अभी सजना भी है नेल कटर बजाय नेक कटर दे दूं खड़े मत करे ओ नेल कटर टूट गया है ये घर में खाने को सलाद नहीं है कहां से ककड़ी डाल के अंधी बनी उतर कहां नजर आएगा दिखा इधर ओए खाने को हमारे खीरे नहीं मिल रहे ये कहां लेके घूम रही है बस अब पड़ोस में पार्टी चल रही है ये भी दो सलाद उनके सैंडविच से चुरा कर लाई हूं तो फिर मैं बात पक्की समझू तेरे को शर्म नहीं आती लाल किले से पहले की बनी हुई तू रणबीर पर डोरे डाल रही है रणबीर कौन है ये आदमी ये सम्राट जादूगर शंकर की ड्रेस पहन के आ गए बेचारे को डराने इसको छोड़ो इस नलाक को तो फिर बात पक्की हो गई तो अब हम शादी कर लेते हैं चलो जी सुहाग के गाने गाओ